पत्थर खदानों संचालकों से त्रस्त ग्रामीणों ने आज तहसील कार्यालय में आकर दिया आवेदन। पहाड़ व क्रेशर संचालकों के खिलाफ आवेदन देने पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण। लवकुश नगर तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत दिदवारा में संचालित पहाड़ खदान की हैवी ब्लास्टिंग और डस्ट से परेशान हुए ग्रामीणों ने आवेदन में बताया कि ग्राम दिदवारा में क्रेशर संचालकों द्वारा अवैध रूप से अनियमितपूर्ण गतिविधियां संचालित हैं, जहां क्रेशरों की डस्ट गांव में उड़ती है, जिससे ग्रामीणों को सांस लेने में अत्यधिक परेशानी होती है और डस्ट से तमाम प्रकार की बीमारियां भी पनप रही हैं। ना ही क्रेशर संचालकों द्वारा पानी का छिड़काव किया जाता है, इस कारण से उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है, जबकि पूरा गांव खेती पर ही आश्रित है। बीते 16 जनवरी को ग्राम वासियों द्वारा बैठक संचालित की गई थी। क्रेशर संचालकों के विरुद्ध प्रस्ताव डाला गया था, जिससे क्रेशर संचालक शर्तें मानने को तैयार थे, जिसमें प्रस्ताव रखा गया था कि क्रेशर संचालकों द्वारा पूरे नियम से काम कराया जाएगा। लेकिन आज लगभग 4 महीने बाद क्रेशर संचालकों द्वारा किसी भी प्रकार की कोई शर्त नहीं मानी गई और ना उन पर काम किया गया, जिसको लेकर आज तहसील कार्यालय में SDM लवकुश नगर निशा बांगरे अग्रवाल को आवेदन देने पहुंचे ग्रामीण, जिनमें राजेंद्र चौरसिया, कुंवर चौरसिया, सुखदीन, बाबूलाल, अमर सिंह, सुशील, भगवान दीन, अतर सिंह के लगभग सैकड़ों ग्रामीण शामिल रहे। क्या शुभ नाम है आपका? कुंवर चौरसिया। क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है कि वहाँ पे 4 इंच की ब्लास्टिंग होती है। जब ब्लास्टिंग होती है गाँव, अगर कोई मिस हो जाती ब्लास्टिंग, तो गाँव के अंदर इतनी बदबू आती है कि वहाँ रुकना मुश्किल पड़ जाता है। साथ साथ धूल बहुत ज़्यादा होती है, रोडों में ओवरलोडिंग चलते हैं, और उन लोगों को जनवरी में अवगत भी कराया था, लेकिन नियम का कोई पालन नहीं कर रहे वे लोग। कह रहे थे हम 2 महीने में सही कर लेंगे, आज 4-5 महीने हो गई। 16 जनवरी को जानकारी दी थी उन लोगों को। कौन कौन से क्रेशर संचालकों द्वारा ये किया जा रहा है? सभी क्रेशर संचालकों को बुलाया था, उन लोगों ने वहाँ मीटिंग हुई थी, बाकायदे सब लोगों ने साइन किए थे, तो हर प्लांटों के लिए है ये। लगभग कितने क्रेशर वहाँ पर संचालित हो रहे हैं? लगभग वही 5-6 क्रेशर। आज कहाँ से शिकायत थी आप? आज यहाँ पर SDM साहब। क्या कहा मैडम ने? मैडम ने ये कहा कि वो नोटिस दे रहे हैं और उन लोगों को पूरी जानकारी लेंगे, कैसा क्या है, नोटिस से जवाब मांगेंगे।